हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की डिज़ाइनर कुर्ती बनाने के लिए आप स्क्रीन पर मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए हम अपनी कुर्ती रेडी करेंगे। तो यहाँ पर कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर प्रिंटेड रियॉन फैब्रिक लिया है और लेफ्ट ओवर फैब्रिक मेरे पास ये ब्लैक कलर का है। तो इसमें से हम अपनी कुर्ती का योग बनाएंगे। तो ये हमारे पास बहुत थोड़ा सा ब्लैक कलर का फैब्रिक है, जिसको हम सबसे पहले योग कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फैब्रिक हमारा इस तरह से फोर फोल्ड है अभी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो ये इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया पहले इस तरह से किनारे वाली साइड से। अब हमने इसको फोर फोल्ड कर लेना है ऐसे। तो इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। ओपन वाली साइड आगे की तरफ है ये, और ये फोल्ड वाली साइड है। अब हमने अपने योग की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा ऊपर से अनइक्वल फैब्रिक है उसको सीधा कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद हम अपने योग की लेंथ लेंगे। तो 10 इंच हमें रेडी लेंथ चाहिए अपने योग की, बट हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सीमिंग अलाउंस के लिए, जो हो जाएगा 11 इंच। तो 11 इंच पर सीधा मार्क करके हम इसको कट कर लेंगे। तो गाइज, इस तरह से हमें सिर्फ 11 इंच की लेंथ पर फैब्रिक लेना है। अब जो उसकी चौड़ाई है वो अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। जितना भी हमारा चेस्ट है उसका 4 पार्ट करके उसमें 1 से 1.5 इंच हम सीमिंग अलाउंस ले लेंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच लूँगी, क्योंकि हमने यहाँ पर बोट नेक बनाना है। इसके बाद आर्म होल की लेंथ हम 7 इंच लेंगे और एक सीधा मार्क करेंगे। अब जहाँ पर हमारे आर्म होल की लेंथ ख़त्म होती है, यहीं से हम अपने बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारे जितना भी बस्ट का 4th पार्ट है यहाँ पर हमने मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क करूँगी और 1 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस में आ जाएगा। अब इस मार्क को हम नीचे की तरफ सीधा कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम फ्री हैंड से अपने बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ अपने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1/2 इंच हम कंधी डाउन करेंगे और यहाँ से लगभग 3.5 इंच ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कंधी डाउन हो जाएगी। अब अपने नेक की विड्थ ले लेंगे। आप अपने हिसाब से नेक की लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच नेक की विड्थ लूँगी और जो हमारा बैक नेक रहेगा वो 3.5 इंच की गहराई पर रहेगा और फ्रंट नेक हमारा 4 इंच की गहराई पर रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। तो ये 2 बॉक्स बन गए। इसमें हमने फ्री हैंड से अपने नेक की शेप दे देनी है इस तरह से। अब सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे एंड इसके बाद हम अपने कंधी डाउन करेंगे इस तरह से। और सबसे पहले हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और जो नीचे से हमारा अनइक्वल फैब्रिक है उसको हमने सीधा कर लेना है और यहाँ सेंटर में एक छोटा सा नॉच लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें से बैक वाला पार्ट निकाल लेंगे। अब जो मार्किंग वाला पार्ट है हमारा, उसको हमने दोबारा से अच्छे से मिलाकर रखना है और जो हमारे फ्रंट नेक की गहराई है उस पर कट करेंगे। इसके बाद जो हमारा फ्रंट का आर्म होल की गहराई है उसको भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला योग बन जाएगा। तो लीजिए, इस तरह से हमारे ये दोनों योग पार्ट कट हो चुके हैं। ये हमारा फ्रंट का योग पार्ट है और ये वाला हमारा बैक वाला योग है। इसके बाद हम अपने कुर्ती का घेरा कट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना प्रिंटेड फैब्रिक ले लेते हैं। इसको हमने डबल फोल्ड कर रखा है किनारे वाली साइड से। अब हमने इसकी लेंथ चेक कर लेनी है। तो ये हमारे पास डबल फोल्ड करके 40 इंच है, इसका मतलब ये हमारा 2 मीटर है। अब सबसे पहले हमने इसको डबल फोल्ड करके रखना है और एक कॉर्नर से इसका दूसरा कॉर्नर इस तरह से मिला देना है ऐसे, और इसको ट्रायंगल शेप में हमने 4 फोल्ड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसको ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम अपना योक लेंगे और इस योक को हमने इस कॉर्नर पर रखना है और यहाँ से जो हमारी फोल्ड वाली साइड है यहाँ से इसको मिलाकर रखना है इस तरह से। और नीचे से जितना भी हमारा योक का चेस्ट के नीचे से जितनी भी हमारी चौड़ाई है उसके बराबर इसको रखना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में इसको हमने जिस तरह से रखा है। अब यहाँ पर हमने इसको ही मार्किंग कर देनी है। इसके बाद हम अपनी कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो इंच टेप को हमने शोल्डर पर रखना है और जितनी भी लेंथ चाहिए यहाँ पर हमने मार्किंग कर लेनी है। तो मैं लगभग 43 इंच पर के आसपास यहाँ पर अपनी कुर्ती की लेंथ लूँगी इस तरह से। और इसके बाद हमने इंच टेप को नीचे से आगे की तरफ घुमाते हुए मार्क करते जाना है और अपनी कुर्ती की गोलाई पर इस तरह से मार्किंग करनी है।
तो ऐसे मार्किंग हो गई है, इसको हमने डार्क कर लेना है। तो नीचे की तरफ से मैंने कुर्ती की लंबाई थोड़ी बढ़ाई है और जो साइड के कॉर्नर है यहाँ से मैंने थोड़ी कुर्ती की लंबाई कम की है। इसके बाद जो हमने मार्किंग की है यहाँ से कट करेंगे। तो यहाँ से हमने देखिए जितनी भी मार्किंग की है उससे हाफ इंच ऊपर की तरफ कट करना है और यहाँ सेंटर में एक नॉच लगा लेंगे। तो ये योक हमारा यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती की लंबाई को थोड़ा बढ़ाया है, उसके बाद यहाँ से थोड़ा इस तरह से कम कर दिया है। तो आप देख सकते हैं आगे की तरफ हमारी कुर्ती का शेप थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। बचे हुए फैब्रिक से हम अपनी स्लीव बनाएंगे। इससे पहले हम अपने जो घेरा है उसमें योक फिट करेंगे। तो देखिए योक फिट करने के लिए घेरे को राइट साइड में रखेंगे और जो हमारा योक है उसकी राइट साइड भी इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको सीधा सिल देंगे यहाँ से। तो ये इस तरह से राइट साइड में आ जाएगा। इसी तरह से हम अपने दूसरे घेरे में भी अपना योक ज्वाइन करेंगे। तो इसकी भी राइट साइड को ऊपर रखेंगे और योक की राइट साइड इसके ऊपर रखेंगे, यानी दोनों की योक राइट साइड अंदर रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रहेगी। इसके बाद हम अपनी स्लीव कट करेंगे। तो देखिए स्लीव के लिए हमारा ये फैब्रिक बचा है। तो ये किनारे वाली साइड है और यहाँ से ये डबल फोल्ड है। फैब्रिक को हमने इस तरह से आगे की तरफ फोर फोल्ड करना है। जितना भी हमारा आर्मोल है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर मैं लगभग 9 से 9.5 इंच का आर्मोल ले लूँगी इस तरह से। अब आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो ऊपर की तरफ जो फैब्रिक आया है यहाँ से ये फैब्रिक ऊपर से इतना है। अब यहाँ पर मैं आपको मार्किंग करके दिखा देती हूँ इस तरह से। अब इस साइड से हम सीधा मार्क ऊपर की तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक की चारों लेयर बराबर है। तो ये मार्क सीधा हमने ऊपर की तरफ कर लिया है और ये ओपन साइड है और ये हमारी फोल्ड साइड है। अब हमने इस मार्क से 3 इंच आगे की तरफ एक मार्क करना है यहाँ से, और इस मार्क को नीचे मार्क पर हमने आर्म होल की शेप देते हुए मिला देना है। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव का आर्म होल निकल जाएगा। इसके बाद हमारी स्लीव की लेंथ 14 इंच है, 1.5 से 2 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा, यानी 11 इंच के आसपास हमारी स्लीव तैयार होगी। इसके बाद हम अपनी स्लीव ओपनिंग ले लेंगे और यहाँ से दोनों को एक दूसरे से मिलाते हुए इसी मार्क पर अब हम कट कर लेंगे। तो गाइज़ फैब्रिक में जितनी भी लेंथ हमारी स्लीव की आ रही है हमने उतनी ले ली है। अगर आपको स्लीव की लेंथ कम करनी है तो और कम कर सकते हैं। अब देखिए स्लीव हमारी दोनों कट हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ से 1 इंच हम अपना सीमिंग अलाउंस पर मार्क कर देंगे, यानी छोटा सा नॉच लगा देंगे। इसके बाद एक छोटा सा नॉच हम इस साइड में लगाएंगे एंड हम यहाँ से 2 लेयर उठाएंगे और 1/2 से 1/4 इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो ऐसे ये हमारी सिंपल स्लीव कट हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम नेक के लिए पाइपिंग कट करेंगे। तो पाइपिंग कट करने के लिए इसमें से हम एक फैब्रिक को निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगी। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से 2 स्टेप कट करने के लिए पहले इस पट्टी को थोड़ा सा और तिरछा कट करेंगे। इसके बाद हम अपनी 2 स्टेप्स कट करेंगे। तो ऐसे कट करने से हमारी जो पट्टी है वो और ज़्यादा तिरछी हो गई है, इससे हमारी पाइपिंग घूमेगी नहीं। अब पाइपिंग की जो चौड़ाई है पट्टी की उसकी हमने 2 इंच ली है और 2 इंच की चौड़ाई पर ये पाइपिंग हमने कट कर लेनी है। इसी तरह से हम एक और पट्टी कट कर लेंगे बैक नेक के लिए। तो ये 2 हमारी पट्टियाँ कट हो चुकी हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अपना घेरा योक से ज्वाइन कर लिया है और दोनों को डबल फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। इसके बाद हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमने इंची टेप को शोल्डर पर रखना है यहाँ से और अपनी कमर की लेंथ लेनी है। मैं यहाँ पर 15 इंच की लेंथ पर कमर की गोलाई दूंगी। आप यहाँ पर 14 इंच भी ले सकते हैं, यानी आपकी कमर की जो लेंथ है वो कम है तो 14 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद हम अपनी कमर की फ़िटिंग 8.5 इंच लेंगे। अब चेस्ट की मार्किंग को और कमर की मार्किंग से इस तरह से इंची टेप रखकर हम एक दूसरे से लाइन अप कर देंगे। इसके बाद इंची टेप को हमने कमर की मार्किंग पर रखना है और नीचे से घेरे की तरफ रखना है इस तरह से, और इंची टेप की हेल्प से हमने यहाँ पर फिर से मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारा फिटिंग की मार्किंग है। अब इसके हमने कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए 1 से 1.5 इंच हम सीमिंग अलाउंस छोड़ते हुए फैब्रिक को कट कर देंगे।
तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियो आप कभी मिस ना कर पाएँ। तो देखिए, इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हम अपने नेक पर पट्टी लगाएंगे। तो जो हमने 82 स्ट्रैप कट की हैं उनको सिंपली अपनी नेक पर लगाना है। पट्टी को राइट साइड में डबल फोल्ड करना है इस तरह से, और इस पट्टी को नेक के बैक साइड से लगाना है, यानी जो रॉन्ग साइड है वहाँ से लगाकर हमने राइट साइड में इस तरह से टर्न कर देना है। एंड इसी तरह से हमने अपने बैक नेक में भी ये पट्टी लगानी है। तो इस पट्टी को राइट साइड में डबल फोल्ड करके टर्न करना है, और पट्टी को हमने उल्टी तरफ से लगाना है, यानी रॉन्ग साइड से लगाना है ऐसे करके, और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी गोलाई में इस पट्टी को लगा देना है। इसके बाद इसको आगे की तरफ हम टर्न कर देंगे इस तरह से। तो ऐसे नेक हमने देखिए कंप्लीट कर लिया है, और ये पट्टी हमने आगे की तरफ हाफ इंच टर्न की है, यानी ये हाफ इंच की पाइपिंग हमने बाहर की तरफ निकाल दी है। इसके बाद देखिए, हमने इसको कंधी से जॉइंट करना है, तो इसके लिए हमने दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब कंधी से हम हाफ इंच का मार्जिन लेंगे और दोनों कंधियों को जॉइंट कर देंगे। आप चाहें तो कंधी जॉइंट करने के बाद भी ये नेक में पट्टी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ से कंधी जॉइंट कर देंगे। इसके बाद हमने जो हमारी कुर्ती की फिटिंग है उस पर हमने सिलाई कर लेनी है। तो दोनों लेयर को अच्छे से बराबर मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ से इसको सिल देंगे। इसी तरह से हम अपनी दूसरी साइड में भी अपनी कुर्ती की फिटिंग लगा लेंगे। तो दोनों लेयर को यहाँ से अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ से फिटिंग लगाकर नीचे तक कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा कुर्ती का घेरा है इसको हाफ इंच डबल फोल्ड कर देंगे पूरे घेरे में। तो लीजिए, कंधी हमारी जॉइन हो चुकी है। इसके बाद हमने अपनी कुर्ती में फिटिंग लगाकर नीचे से घेरा भी अच्छे से हेम कर लिया है। आप चाहें तो नीचे घेरे में पिको भी कर सकते हैं। तो गाइज, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारी कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने अपनी कुर्ती की स्लीव तैयार करनी है। तो स्लीव हमने ऑलरेडी कट कर ली है, तो स्लीव को हमने बराबर अच्छे से मिलाकर रखेंगे इस तरह से, और इसके बीच में हम कट लगा देंगे। तो ऐसे हमने बिल्कुल सीधा कट लगा देना है। इसके बाद स्लीव ओपनिंग की तरफ हाफ इंच का मार्क करेंगे, यहाँ से हाफ इंच का मार्क करेंगे। इसके बाद हमने तिरछा करके इंची टेप को रखना है और ये मार्किंग हमने ऊपर ले जानी है। तो ये देखिए, ये मैंने लगभग 5.5 इंच की लंबाई पर इस मार्किंग को तिरछा करके मिला दिया है। अब यहीं से हमने इसको कट कर लेना है। तो गाइज़, ये हमारी दोनों स्लीव हैं, तो इसमें से हम अपनी स्लीव के दोनों पार्ट अलग अलग कर लेंगे, यानी एक स्लीव के दो पार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से हमने दोनों को एक एक ऊपर से उठा लेना है ऐसे करके। अब ये हमारी एक स्लीव बची है जिसके दो पार्ट हो गए हैं। अब हमने इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलना है, और नीचे से हमने हाफ इंच डबल फोल्ड करना है इसी के साथ। तो ऐसे नीचे से हमने 1 इंच का फोल्ड करना है लगभग, और यहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना है, यानी 1/4 इंच के आसपास। तो इसको हमने इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। तो लीजिए, इस तरह से हमने स्लीव के ये दोनों साइड फोल्ड कर ली है। इसके बाद हमने स्लीव का बैक वाला पार्ट, ये हमारे स्लीव का बैक वाला पार्ट है, इसको हमने फ्रंट वाले पार्ट से, यानी जिसमें एक्स्ट्रा कटिंग है, उसके ऊपर रख कर यहाँ से थोड़ा थोड़ा सिल देना है। इसके बाद हमने एक डोरी ली है, इसको हमने बीच में से कट कर लेना है। लगभग 2 डोरियाँ हमने 2 इंच की लंबाई पर कट की हैं इस तरह से। अब इसको हमने लूप बनाकर बैक वाला पार्ट जो है हमारा यहीं पर हमने रख कर इसको सिलना है। तो ये 2 डोरियों के 2 लूप हमने एक ही पार्ट में सिलने हैं इस तरह से। तो गाइस, ध्यान रहे, ये हमने बैक वाले पार्ट में लूप लगाने हैं, और बैक वाला पार्ट ही हमने इसके ऊपर ओवरलैप करना है। तो इस तरह से ये दूसरी स्लीव मैंने ऐसे तैयार कर ली है, बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर मैंने ओवरलैप कर दिया है फ्रंट वाले पार्ट के। अब हमने यहाँ पर 2 लूप इस तरह से लगा ली हैं, ये हमने इसके ऊपर इस तरह से रख कर यहाँ 2 बटन लगा लेने हैं। इसके बाद हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ से फिटिंग लगा लेनी है, जितनी भी हमारी आर्म होल की फिटिंग है। तो यहाँ से हमारी कुर्ती का आर्म होल जितना भी है उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी स्लीव का आर्म होल लेना है, और यहाँ से फिटिंग लगाकर अपनी कुर्ती से जॉइन कर देना है। और इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी जॉइन कर देंगे। तो गाइज़, ऐसे हमने ये दोनों स्लीव लगा ली हैं। आप देख सकते हैं बटन भी हमने दोनों लगा लिए हैं। जहाँ पर हमने लूप लगाए हैं उसी के सामने दूसरे वाले पार्ट में हमने इसमें बटन लगा लिए हैं। तो ये इस तरह से हमारी स्लीव तैयार हो गई है।
और इसी तरह से हमें अपनी दूसरी स्लीव भी तैयार कर ली है। ये देख सकते हैं आप, तो बैक वाले जो हमारा स्लीव का पार्ट था उसमें हमने लूप लगाया है और फ्रंट वाला स्लीव के पार्ट में हमने बटन लगाए हैं इस तरह से, और कुर्ती के नेक में भी हमने बीच में 6 बटन लगा लिए हैं। तो नेक पे लगाने के लिए मैंने जो फ्लेयर का फैब्रिक था उसके पिंक कलर से 6 बटन यहाँ पर लगा लिए हैं। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक बार आप इस कुर्ती को ट्राई ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियो आप कभी मिस ना कर पाएँ। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।